ईगल की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसके सामने केवल दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें पहला रास्ता होता है या तो ईगल अपनी जान दे दे या फिर वो अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा दे। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ साथ ईगल के पंजे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनसे शिकार पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, और साथ ही उसकी चोंच भी काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और मुड़ जाती है, जिससे खाना खाने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर वो ईगल अपनी जिंदगी का परीक्षा देने को तैयार है तो उसे एक पथरीली जगह पे जाना होता है और पत्थर पे चोंच मार मार के अपने चोंच को तोड़ना होता है और साथ ही साथ अपने पंजों को भी तोड़ना होता है। अगर इतना ज्यादा दर्द सहने के बाद ईगल जिंदा बच जाता है तो वो अपनी 40 साल की पूरी उम्र जी कर ही मरेगा।